शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी अपने पैसे से पैसा बनाने आता है। 2020 में जब कोविड ने हिट किया तो लोगों ने अपने घर में जब समय बिताया तो उसके बाद डीमैट अकाउंट, आप स्क्रीन पे आंकड़े देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि उनकी जो इनकम है उससे ज़्यादा इनकम की उनको ज़रूरत है और शेयर मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही बेहतर औजार हो सकता है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोरन पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और शेयर मार्केट का क्या लिंक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि शेयर मार्केट में वो कौन से शेयर्स हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आपका लक सबसे ज़्यादा चमक सकता है। साथ ही साथ ये वीडियो बहुत पर्सनल है क्योंकि मैं भी शेयर मार्केट में एक्टिव रूप से इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, तो वो उथल पुथल, वो उतार चढ़ाव मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं समझता हूँ जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है तो क्या एक्सपीरियंस होता है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी अपने पैसे से पैसा बनाने आता है। 2020 में जब कोविड ने हिट किया तो लोगों ने अपने घर में जब समय बिताया तो उसके बाद डीमैट अकाउंट, आप स्क्रीन पे आंकड़े देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि उनकी जो इनकम है उससे ज़्यादा इनकम की उनको ज़रूरत है और शेयर मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही बेहतर औजार हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगे, दैट इज़ वाई समय के साथ साथ आप देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सब के इंटरेस्ट रेट कम किए जा रहे हैं ताकि इंसान को अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के रास्ते के अलावा उसके पास कुछ बचे ही ना। इवन गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट में अब 3% जीएसटी लगा दिया गया ताकि आपके पास शेयर मार्केट के अलावा और कुछ ऑप्शन बचे ना। अब अंक ज्योतिष क्या कहता है कि शेयर मार्केट आपके लिए लकी है या फिर अनलकी है, इसको थोड़े लॉजिक से समझेंगे। शेयर मार्केट में तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है विजडम। मैंने विजडम की बात करी, नॉलेज की बात नहीं करी। नॉलेज आप किताब पढ़कर गेन कर सकते हैं, नॉलेज आप लोगों के वीडियोस देखकर भी गेन कर सकते हैं, बट जो विजडम होती है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है और ये विजडम समय के साथ ही कोई प्राप्त कर सकता है, दैट इज़ वाई विजडम। अब नॉलेज या विजडम की जब बात आती है तो अंक ज्योतिष बोलता है कि आपके पास नंबर 3 या फिर नंबर 7 होना चाहिए। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, विजडम समझदारी का नंबर है। नंबर 7 केतु का नंबर है, केतु प्रिडिक्शन का नंबर है, केतु भी समझदारी का नंबर है। केतु उन चीज़ों को कई बार भांप लेता है जिनको बाकी का कोई नंबर नहीं भांप पाता है। तो ये दो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए। दूसरी जो क्वालिटी है शेयर मार्केट में सक्सेस प्राप्त करने की वो होती है पेशेंस। आपके पास धैर्य होना चाहिए, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा शेयर पिक करना है और किस शेयर से अपना पैसा निकाल लेना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं तो फिर आपका पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा स्थिर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर तो सेकेंडों में खेल बदल जाते हैं। दैट इज़ वाई अब बात आई है अगर पेशेंस की, आपकी मन की स्थिति की, तो ये गवर्न करता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा की वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा, लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और हमारी बॉडी भी 70% वाटर से ही तो बनी है। तो अगर चंद्रमा लहरों को उठा पटक सकता है तो आपको और मुझे क्यों नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई पेशेंस और इमोशंस की बात है तो चंद्रमा यानी कि नंबर 2 आपके पास होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए होती है वो है लिटिल बिट ऑफ लक, आपकी किस्मत। आपकी किस्मत है कि आपको कोई ऐसा शेयर मिल गया जो मल्टीबैगर साबित हो गया, जिसने थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे दी। आपकी किस्मत है कि आपने सही समय पे सही शेयर खरीद लिए या फिर सही समय पे सही शेयर बेच दिए। अब ये किस्मत कौन डिसाइड करता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 है या फिर नंबर 4 है तो आप अचानक से धन प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं और यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी देखी जाती है कि अगर शनि यानी कि नंबर 8, राहु यानी कि नंबर 4 ये साथ में बैठे हैं या फिर महादशा और अंतरदशा के रूप में लाइफ में आ गए हैं तो अचानक से धन प्राप्त करने का योग बना देते हैं। हमने बात करी नंबर 3 की, नंबर 7 की, नंबर 2 की, नंबर 8 की और नंबर 4 की। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ में इन सारे नंबरों को खोजना है और आप अपना मूलांक और अपना भाग्यांक भी साथ में देखिए। अब आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है अगर नहीं पता तो आई बटन में लिंक दिया गया, उस वीडियो को जाके देखिए, आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। शॉर्ट में मैं अगर आपको बता दूं तो मूलांक होती है आपकी डेट, उसको जोड़ के एक सिंगल डिजिट में ले आइए और ऑलरेडी अगर सिंगल डिजिट में है तो अच्छी बात है। भाग्यांक होती है आपकी पूरी डेट को ऐड करते करते हमें एक सिंगल डिजिट में लेके आना है। स्क्रीन पर एक एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं।
तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांग और भाग्यांग में नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 8 या नंबर 4 ये दिख रहे हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है कि किसी किसी में रेयर केस में ये सारे नंबर ही दिख रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास इन सारे नंबर्स के फेवर्स हैं, यू आर वेरी लकी। अब कुछ केसेस में क्या होगा कि आपको इनमें से कुछ नंबर तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में मूलांग भाग्यांग में मिल जाएंगे लेकिन कुछ नंबर मिसिंग होंगे। अब इन मिसिंग नंबर्स की आपको रेमेडी करनी चाहिए ताकि इन प्लैनेट्स के भी फेवर्स आप प्राप्त कर सकें। वो रेमेडी क्या होगी, आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें हर एक नंबर से क्या रेमेडी है उसके फेवर को प्राप्त करने की ये डिस्क्राइब किया गया है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा और उसकी रेमेडी को ज़रूर अपनाइएगा। तीसरा केस हो सकता है कि आपको कोई भी नंबर ना मिले, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर 3 की रेमेडी और नंबर 8 की रेमेडी अपने लाइफ में करनी है, दैट्स इट। ये हो गया कि आप में अगर नंबर मिसिंग है तो उनको रेमेडी करके उनके लाइफ में आप ले आएंगे। अब मैं बात करता हूँ वो कौन से शेयर हैं या वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, सबसे ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो सकता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो शेयर हैं, ये निकाले जाएंगे आपके मूलांक के अनुसार। सिर्फ आपको आपका मूलांक पता होना चाहिए। अब आपका मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में कोई भी हो सकता है। ये मूलांक किस इंडस्ट्री को शेयर मार्केट में फेवर करता है वो आप कैप्शन में पढ़ सकते हैं। अंत में मैं आपको कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ अपने साथ। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपकी मजबूरी हो चुका है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो और कोई ऐसा साधन नहीं बचा है जिसमें आपका पैसा बढ़ सके समय के साथ और महंगाई को बीट कर सके। मैंने जैसे पहले भी कहा कि FD और RD के रेट इतने कम कर दिए गए हैं कि ताकि आदमी को अगर महंगाई से लड़ना है तो शेयर मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट को कैसे अपनाना है ये आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है म्यूचुअल फंड में कंपेटिबल हो सकता है आप शेयर को लॉन्ग टर्म खरीदने में कंफर्टेबल हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो। जो भी आपका खेलने का मैदान है उसमें जाइए, खेलिए, पर हाँ, खेलने से पहले विजडम, पेशेंस और लिटिल बिट ऑफ लक को अपने साथ जरूर ले जाइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। क्या आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो अरुण पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।